माव्याती कहमत की बेनामी संपत्तियों के साम्राज्य को ध्वस्त करने में जुटी टास्क फोर्स ने एक दिन पहले अतीक के जिस करीबी मोहम्मद अब्बास से पूछताछ की वह 42 लाख की मर्सिडीज समेत 7 गाड़ियों का मालिक है। टास्क फोर्स की पूछताछ में यह बात सामने आई है। खास बात यह है कि उसकी कई गाड़ियों के पंजीकरण नंबर में आखिरी अंक 1500 है। अतः सुहिया के दरियाबाद निवासी अब्बास अतीक का बेहद करीबी है। सिविल लाइन्स स्थित मैक टावर का मालिक होने के साथ ही करेली में मैक टाउन के नाम से एक टाउनशिप भी बसाई है। अतीक से उसके करीबी रिश्तों के बाबत जानकारी जुटाने के लिए टास्क फोर्स ने उससे एक दिन पहले 8 घंटे पूछताछ की थी, जिसमें यह बात खुलकर सामने आई है कि उसके पास कुल 7 कारें हैं, जिनमें से एक मर्सिडीज है। जुलाई 2015 में उसने यह कार खरीदी थी, जिसकी कीमत तकरीबन 42 लाख रुपये है। इसके अलावा अन्य 6 कारों का भी पता चला है। सूत्रों का कहना है कि अब्बास से उसकी संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज लेकर आने को कहा गया है। दस्तावेज मिलने के बाद पता लगाया जाएगा कि संबंधित संपत्तियों को खरीदने के दौरान उसकी आय का स्रोत क्या रहा है। अतीक ने अपने बेहद करीबी महिला को इम्तियाज चावल के करेली स्थित मकान में शरण दिलाई थी। जीटीबी नगर स्थित यह मकान इम्तियाज का है, जिसे बाद में उसने किसी अन्य को बेच दिया। हालांकि इसके बाद भी महिला उसी मकान में ठिकाना बनाकर रह रही है। यह बात माफिया की बेनामी संपत्तियों की पड़ताल में जुटी टास्क फोर्स में सामने आ चुकी है। इम्तियाज 2 दिन पहले टास्क फोर्स के अफसरों से पूछताछ में शामिल था। इसमें पता चला कि अतीक की मदद से करनाल में 1991 में एक राइस मिल खोली थी। 2001 में इसी राइस मिल की जगह पर उसने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया था। सूत्रों का कहना है कि जांच में सामने आया कि अतीक की एक बेहद करीबी महिला उसके करेली स्थित मकान में लंबे समय से रह रही है। हालांकि इस बाबत पूछने पर उसने बताया कि अतीक ने जबरन उसके मकान में महिला को रखवाया था, जिसे बाद में उसने किसी अन्य को बेच दिया है। टास्क फोर्स उन जानकारियों के बाबत जांच पड़ताल करने में जुटी।